मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज यानी अटल सेतु पर पहला सड़क हादसा हो गया है। इस ब्रिज पर एक कार की गुलाटी मारने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, अटल सेतु का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अटल सेतु पर हुए पहले सड़क हादसे की गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज पर वाहन अपनी रफ्तार से दौड़ रहे थे, जिसमें एक वाहन चालक वीडियो बना रहा है। तभी पीछे अचानक मारुति इग्निस ओवरटेक करती है और कहीं ना कहीं ड्राइवर कार से कंट्रोल खो देता है। इसी बीच कार गुलाटी खाकर डिवाइडर से टकराती है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और सब ठीक है। आपको बता दें, अटल सेतु में हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज की गई है। चलिए आज इन्हीं पर बात करते हैं और आपको बताते हैं अटल सेतु की कुछ खास बातें। सबसे पहली बात, भूकंपरोधी डिजाइन। अटल सेतु में आइसोलेशन बियरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से अगर भूकंप आता है तो ये पुल टूटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा हिल सकता है। अटल सेतु बनाने वाले इंजीनियरों के अनुसार इस पुल का डिजाइन रिएक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता तक के भूकंप को आसानी से सहन कर सकता है। अगली खासियत, इको फ्रेंडली लाइट। जी हाँ, अटल सेतु पर रात के समय हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की गई है। इसके लिए अटल सेतु पर इको फ्रेंडली लाइट यानी कम ऊर्जा वाली LED लाइट्स का यूज किया गया है, जिनको यूज करने का पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। इस ब्रिज की अगली खासियत, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। अटल सेतु पर ड्राइवरों को आसपास की लेन पर ट्रैफिक की स्थिति और एक्सीडेंट की जानकारी देने के लिए रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले लगाई गई है। ये डिस्प्ले एक निश्चित दूरी पर लगाई गई है, जहां से ड्राइवरों को पूरे ब्रिज की पल पल की जानकारी यात्रा के दौरान मिलती रहेगी। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहे TV9 भारतवर्ष के साथ।